हेलो रॉयल बुलेट फैमिली, मैं अपनों का कमल आनंद, सभी को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह और गुरपुरब की सारे नू लख लख वधाई जी। सारे जेड़े मेरे पंजाबी भरा ने, वैसे तो सारे हिंदुस्तान नू, सारे संसार नू बहुत सारिया मुबारक गुरपुरब दिया। ते उस तो बाद मेरे सारे भाइयों को राम राम। आज की वीडियो स्पेशल है, वो है हमारी डुग डुग के साथ साइड कार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो साइड कार के साथ, रॉयल एनफील्ड के लिए, रॉयल बुलेट फैमिली के लिए आज की एक विशेष प्रस्तुति। तो आज की जो वीडियो है वो है साइड कार रॉयल एनफील्ड पे लगने वाली, जिसको चलाने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने भी खूब चलाई है और आप देख सकते हैं कि एक अलग ही एन्जॉयमेंट है इस गाड़ी को चलाने का। खूब मस्ती होती है इस गाड़ी को चलाने में, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इसमें रिवर्स गियर नहीं है। आपका साथी हो तो आप इसको पीछे कर सकते हैं, अदरवाइज इसको पीछे करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। एक बात मुझे बड़ी मैसेजेस में आ रही है कि कमल भैया जावा आ रही है, जावा आ रही है। अरे भैया, जो पोस्टर्स होते हैं उनको देख के पिक्चर का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता कि पिक्चर कैसी होगी, क्योंकि लेटेस्ट एक बहुत बड़ी पिक्चर आई जिसमें बहुत बड़े हीरो हीरोइंस थे, लेकिन पिक्चर नहीं चली। तो इसलिए कोई चिंता मत करिए, रॉयल एनफील्ड को प्यार करने वाले उनके सामने कुछ भी आ जाए, हमारी रॉयल एनफील्ड हमेशा टॉप रहेगी। बहुत मैसेजेस आए कि साइड कार के ऊपर वीडियो चाहिए, साइड कार पे वीडियो चाहिए। तो लीजिए, साइड कार पे वीडियो आपके सामने है और ये है 500 सीसी, 5700 किलोमीटर चली है और ये हमने साइड कार जो है महाराष्ट्र से ये बन के आती हैं, जिसकी कॉस्टिंग नियर अबाउट 75,000 आती है और 5,000 जो है इसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस लगते हैं। इसमें बेसिक जो है वो है बैलेंस। दोनों जो हमारी गाड़ियाँ हैं, एक तो रॉयल एनफील्ड और एक ये साइड कार, इनका प्रॉपर बैलेंस आना चाहिए। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर कहीं भी हल्की सी आपका ये अनबैलेंस्ड है तो ये गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। आइए मैं आपको इसके कुछ क्लोजअप दिखा रहा हूँ कि कितनी इसमें फिटमेंट होती है, कितना कुछ लगता है, तब जाके ये साइड कार चलाने का मज़ा आता है। लेकिन मज़ा बहुत आता है साइड कार लगा के, बुलेट चलाने का एक अलग ही फील है। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको पूरा व्यू इसका, उसके बाद मैं थोड़े इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें बता दूंगा कि साइड कार का क्या यूज़ है और इसको लगाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिएगा, ये सबसे पहले इसकी जो कपलिंग है, आप ये देख सकते हैं, ये शॉकर लगा हुआ है। जब भी हम इसको चलाते हैं ये चार जगह से कनेक्टेड है। ये रियर व्यू है इसका, ये फिर सेंटर और उसके बाद ये फ्रंट शॉकर, आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो अंदर से सीटिंग है वो बड़ी ब्यूटीफुल है, ये देखिए, ये देखिए इसकी जो थर्ड व्हील है कितनी मेजर तरीके से इसको जोड़ा गया है और यहाँ पर भी शॉकर दिया गया हुआ है। ये पीछे इसका कैरियर है, लेग स्पेस है, ये देखिए, ये भी कपलिंग है यहाँ। सो गाइस, फील इज़ वेरी गुड। अगर आपका चलाने वाला अमिताभ का शोले या धर्मेंद्र है तो गाड़ी के अंदर बैठने का मजा ही कुछ और है और बैलेंस बन जाता है। अगर तीन लोग चला रहे हैं, तीन लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो इसका बड़ा रिलीफ है और ऐसा लगता है कि आप घर में बैठे हुए हैं और आप एक रॉयल एनफील्ड को एंजॉय कर रहे हैं। ये साइड कार है और ये 500 सीसी। हाँ, साइड कार लगानी हो तो आपके पास 500 सीसी होना ज़रूरी है,
इसका लोड जो है वो 500 सीसी इजीली ले लेती है। अब इसका जो एडवांटेज है वो मैंने बता दिया कि हम दो और हमारे दो मियाँ बीवी और दो बच्चे आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, जिनको खुले में घूमने की आदत है, अदरवाइज इतने प्राइस में कार भी आ सकती है। और जो डिसएडवांटेज है, गाड़ी 60-70 से ऊपर भगाना बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो इसका हैंडल है, हमारी ये जो चीज़ है, इसको संभालना सबके बस की बात नहीं है। मैंने इसको जब ड्राइव किया तो मुझे भी बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ कि राइट साइड का जो हमारा ये पोर्शन है, ये हमेशा टाइट रहता है कि गाड़ी संभली रहे, और गाड़ी अनबैलेंस होकर तो चलेगी चलेगी। और एक इसमें जो मुझे कमी लगी, जो इसका ये वाला व्हील है, दिस वन, जब ड्राइवर चला रहा है या जो रॉयल एनफील्ड चलाने वाला है, तो वो मेजरमेंट बहुत कम कर पाता है कि ये गाड़ी उस जगह से निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो साइड कार है तो अच्छी, कुछ चीज़ें लाइफ में दिखती बहुत सुंदर हैं, लेकिन यूज़ करने में पता चलता है कि उसमें क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो आपके सामने, रॉयल एनफील्ड की साइड कार, जो कि दिल्ली में बहुत कम मिलती है और ये महाराष्ट्र में बनती है। 75,000 की इसकी कॉस्ट आती है, 5,000 जो है इसकी इंस्टॉलेशन है। जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो इसके स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास, मनाली जी, हमारे मुल्ला जी, वो करते हैं। आइए, मैं वीडियो में उनसे भी मिलवाना चाहूँगा। सो गाइस, हमारे पास दो जो हैं स्पेशलिस्ट हैं इस गाड़ी को बनाने वाले। एक हमारे मुल्ला जी, जिनको हम मनाली जी कहते हैं, मनाली में इनकी तूती बोलती है इसलिए इनका नाम मनाली है। और एक हमारे पिंकी भैया सरदार जी, वो भी इसके स्पेशलिस्ट हैं, जो इसको प्रॉपर बैलेंस करते हैं और रॉयल एनफील्ड ऑनर्स को गाड़ी चलाने का ये मौका देते हैं कि चलाओ, अब एंजॉय करो। क्यों मनाली जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने इसको बहुत चलाया है साइड कार को। अभी मैं पीछे रिसेंटली उदयपुर से लेके आया था गाड़ी को, तो रफली हमें 2 डेज लगा था पहुँचने में। उदयपुर से जयपुर 400 किलोमीटर है और जयपुर से दिल्ली 250 किलोमीटर है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में आप 60-70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा स्पीड भी आते हैं या 80 की या 100 की स्पीड पर, तो आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। आप अगर इमरजेंसी ब्रेक मारेंगे फौरन लेफ्ट की तरफ चली जाती है गाड़ी, है ना। तो इस वजह से इसको साइड कार दें, इसको मतलब बस इंजॉय के लिए आराम से चलाएं, प्यार से चलाएं, आनंद लीजिए। आप रोड पर चलेंगे, दुनिया देखती है, हर कोई देखता है आपको, इशारा करके वाह वाह, बड़ा मज़ा आता है आपको देखने में। तो ये चीज़ें जो हैं ये काउंट करने वाली हैं कि रोड पे जो है कुछ हट के कुछ बच के, ये हमारी है बुलेट मेरी जान, तो कुछ इस तरीके की फील आती है जब हम इसको चलाते हैं। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती दोस्तों, इसकी एक खुलासा आज आपके साथ करने जा रहा हूँ। क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, वो तो मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो मुझसे जलते हैं वो कुछ ज़्यादा ही जलते हैं। तो जो लाइट हम बेच रहे हैं वो है 75 वॉट्स की। अब उन्होंने उसके वर्सेस में लाइट उतारी और वो लाइट किसी तरीके से हमारे पास पहुंची कि कमल भैया देखो ये आ गया है अब आपके रेट्स को कंपेयर करने के लिए। वो लाइट मैं शेयर कर रहा हूँ, जो लाइट हम बेच रहे हैं वो मैं दिखाऊँगा। पहले आप इस लाइट को देख लीजिए, खुद फ़र्क पता चलेगा कि वॉट दे आर सेलिंग वॉट वी आर सेलिंग। क्योंकि जो हमारे पास आते हैं वो उनको पता है कि कमल भाई का फिक्स प्राइस है, वो कम नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े रीजनेबल मार्जिन के ऊपर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो मार्केट में हो रहा है उसको भी बताना बहुत ज़रूरी है भाई लोगों, अगर वो ही नहीं पता चलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा ठीक क्या है और गलत क्या है। देखिए ये लाइट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो उतरी है अभी ताज़ा ताज़ा मार्केट में, अब फ्रंट दोनों का सेम है। आपने देखा ये फ्रंट दोनों का सेम है, लेकिन जो रियर है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। इसका रियर देखिए, इसकी वायरिंग का जो हार्डनेस है, जो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से लाइट बनाई गई है, आप ये देखिए। और जो आपने वो लाइट देखी अभी से पहले वाली, आपने उसका हाल देख लिया कि पीछे कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग सस्ता मांगते हैं। आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो आएगा यहाँ वो कहेगा कमल भाई सस्ता सुंदर टिकाऊ,
सस्ता भी हो, सुंदर भी हो, टिकाऊ भी हो, तो भाई ये सारी चीजें रॉयल बुलेट के पास नहीं मिलेंगी आपको, मेरे पास मिलेगा रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का सामान। तो ये लाइट आपने देखी, ये 75 वॉट से अब इसके अंदर 35 वॉट मार्केट में आ चुकी है। सो बीवेयर, ध्यान से खरीदिए, कहीं से खरीदिए, उसका बैक देख लीजिए, उसकी वेट देख लीजिए और उसका ल्यूमिनेंस चेक कर लीजिए कितनी तेज वो लाइट जाती है। सबसे आसान काम है कि कैसे आप इसको कंपेयर करेंगे, 35 है, 55 है या 75 है, तो उसको को भाई जरा जला के देखा और दिन के अंदर भी रोशनी अगर चीरती हुई जा रही है तो आपको पता चल जाएगा कि लाइट कैसी है। और वजन, वजन होना चाहिए लाइट में, वो लाइट खरीदिए। हमारे पास फुल रिंग के 3 सेगमेंट हैं, क्योंकि 3 सेगमेंट इसलिए हैं, एक का जो प्राइस है वो 1200 रुपये है, एक 1500 रुपये है, एक 2500 रुपये है, वो तीनों लाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप एक बार देखिए। ये 1200 रुपये की फुल रिंग है दोस्तों, 4 प्रोजेक्टर 35 वॉट, 1200 रुपये की कॉस्ट, अच्छी क्वालिटी, क्योंकि अब इसके अंदर भी उन्होंने वही गेम की है, पीछे से बिल्कुल फ्लैट लाइट में वजन नहीं है और लोग ले आए हैं 900, 1100, 800 रुपये की। भाई मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मेरे पास जो है वो 1200 रुपये की अच्छी रीजनेबल 35 वॉट की लाइट है। और इसके बाद मेरे पास एक लाइट है इसी में जिसकी वॉटेज है 55, ये 55 वॉट की लाइट है, ये भी 4 प्रोजेक्टर है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 1500 रुपये की है, ये 1500 रुपये की 55 वॉट की। अब इसी में एक और फुल रिंग जिसकी वॉट्स हैं 75, ये देखिए, और इसका भी मैंने आपको जैसे बताया कि पीछे से बड़ी हुई और वजन जो है वो काफी हैवी लाइट है, और जो इसकी कॉस्टिंग है वो है 2500 रुपए की। अब दिखने में तीनों एक जैसा है फ्रंट, अगर आप देखें तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, अब तीनों सेम है। अब मैं आपको एक बार इसकी टेस्टिंग जरूर कराऊंगा कि 75 वॉट कितनी तेज मार मारती है रात को, और 55 वॉट और 35 वॉट, 12, 15, 25, तीनों क्वालिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं, जितना पॉकेट अलाउ करें वो आके आप हमसे लगवा सकते हैं। अब इसका आप डीआरएल देखिए, व्हाइट कलर का 35 वॉट की लाइट का जिसकी कॉस्टिंग 1200 रुपए है, ये इसका व्हाइट है, ये इसका एम्बर है, ये 1200 रुपए की है, और इसकी जो मार है, जो इसका विजिबिलिटी है, वो भी मैं आपको जला के दिखा रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये 1200 रुपए की, 1200 रुपए की और बहुत अच्छी रोशनी के साथ है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपको दिखा रहा हूं 55 वॉट फुल रिंग जिसका आउटर सर्कल और इनर सर्कल क्लास है, एम्बर और व्हाइट क्लास है 1500 रुपए में। ये देखिए ऐसे जैसे ट्यूबलाइट जल रही हो, और इसका जो ऑरेंज है, ओ दिस इज ऑसम एम्बर कलर। अब मैं आपको इसकी विजिबिलिटी दिखा रहा हूं 55 वॉट की, ओह दिस इज गुड, रियली गुड, 1500 रुपए में फुल रिंग इतना अच्छा ब्राइटनेस के साथ रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड पे, ये है 1500। अब इसके बाद इन सब का फादर 4 प्रोजेक्टर 75 वॉट्स, इसका आउटर रिंग, ओह दिस इज गुड, बूम एम्बर, ओह दिस इज नाइस। अब इसका हम मेन, ओह 75 वॉट मेन 75 वॉट्स, आप देख सकते हैं तीनों का फर्क, आप देख सकते हैं ये है 75 वॉट की लाइट जिसकी कीमत है 2500 रुपए। तो दोस्तों बी वेयर, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं और ऐसे ही करता रहूंगा, और जरा बच के चलिए, बहुत कुछ हो रहा है। आप मार्केट में आएँ तो हर एक चीज़ को चेक कर लें कि कितना है क्या नहीं है, और फिर वही बात, ये रिपेयरेबल हैं, 400 रुपए में पूरी लाइट रिपेयर हो जाती हैं, दिखने में सारी सेम है लेकिन जलने में, विजिबिलिटी में बिल्कुल डिफरेंट है। सभी रॉयल बुलेट फैमिली को कमल आनंद की तरफ से वंदे मातरम, जय हिंद, सलाम, और गुरपुरब की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।